करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, कुनए की जगत के पत्थर पर बार बार रस्सी के आने जाने की रगड़ से निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार लगातार अभ्यास से अल्प बुद्धि जड़मति भी बुद्धिमान सुजान बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग का यह पहला वीडियो है। इसमें हम सिखाने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं है और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप अंधेरे में हैं। तो सर, अभी हम आ गए हैं एक्सेल शीट पे और यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट में काम करने का पहला दरवाजा है, ये अपने दिमाग में बैठा दीजिए। इसके बिना आप स्टॉक मार्केट में रुक नहीं सकते। कभी न कभी आप रिस्क मैनेजमेंट को सीखना है, फॉलो करना है या फिर मार्केट छोड़ के चले जाना है, ये बहुत ही जरूरी है। इस एक्सेल शीट में आपके सामने 13 पॉइंट है। पहला पॉइंट है ऑप्शन ट्रेडिंग अकाउंट साइज, यानी कि आप जो कैपिटल लेके आ रहे हो वो कितनी है, कितने पैसे हैं आपके पास ट्रेडिंग करने के। दूसरा है सर प्रतिशत, कि आप उस कैपिटल पे कितने प्रतिशत का रिस्क ले रहे हो। तीसरा है रुपीज रिस्क पर ट्रेड, एक ट्रेड में आप कितने रुपए का लॉस लेने के लिए तैयार हो। उसके अगला है लॉट साइज, आप किस में काम कर रहे हो, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिर निफ्टी में, जो भी उस लॉट की साइज है उसको यहाँ पर एंट्री करना है। और ये रिस्क मैनेजमेंट मैं आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ट्रेडिंग बता रहा हूँ, तो इसको आप स्टॉक या फ्यूचर के अंदर अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एंट्री, जिस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप ट्रेड ले रहे हो उसमें आपका एंट्री प्राइस क्या है वो आपको यहाँ एंटर करना है। नेक्स्ट है स्टॉप लॉस एंटर करना है। अब रुपीज़ लॉस पर क्वांटिटी अपने आप आ जाएगी, क्वांटिटी कितनी आएगी अपने आप आ जाएगी यहाँ पर, लॉट साइज ऑटोमेटिक आएगा। अब जितने पॉइंट का टारगेट है तो उसके हिसाब से टारगेट 1:1 ये होगा, 1:2 ये होगा, 1:3 ये होगा, और ट्रेलिंग एज पर योर लर्निंग आपने जैसे भी सीखा है आप ट्रेल कर सकते। तो साहब, सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपके पास में जो कैपिटल है वो 1,00,000 रुपये से कम है तो आप 0.75% से और 1% तक का रिस्क ले सकते हैं। यदि आपके पास में कैपिटल है वो 1,00,000 से ज़्यादा है लेकिन 5,00,000 से कम है तो आपको रिस्क कम कर देना है, आपको रिस्क लेना है 0.50%। अगला है सर कि अगर आपके पास में कैपिटल 5,00,000 रुपये से अधिक है तो आप रिस्क और कम करेंगे और 0.30% का रिस्क लेंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण दे के समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपके पास में जो कैपिटल है वो है 1,00,000 रुपये की या 2,00,000 रुपए की मान ले। अब आपको 2,00,000 रुपए में 0.50% का रिस्क लेना है तो यहाँ लिखेंगे आप 0.50। अब देखिए, अगर 0.50% का आप रिस्क लेते हैं तो एक पर्टिकुलर ट्रेड में आपको 1,000 रुपए का लॉस लेना है, इससे अधिक नहीं। अब लॉट साइज आप निफ्टी में काम कर रहे हो तो 50 का है। अब यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट है वो मान लेते हैं 80 रुपए का कोई ऑप्शन है जहाँ पर आपको एंट्री मिल रही है, और स्टॉप लॉस 80 पे एंट्री है और 60 पे आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो एक क्वांटिटी पे आपको 20 रुपये का लॉस हो रहा है। अब क्वांटिटी आप 50 ले सकते हो तो 50 क्वांटिटी में एक लॉट होता है। अभी आपका पहला टारगेट क्या होगा, जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है उतने पॉइंट आपको मिलेंगे तो 1:1 होगा, वो होगा 100 रुपये पर आपको एग्जिट करना है। यदि आप 1:2 लेना चाहते हो तो आपको 120 रुपये में एग्जिट करना है। यदि आप 1:3 लेना चाहते हो तो आपको 140 रुपये में एग्जिट करना है, और ट्रेडिंग जो होगी वो एज पर योर लर्निंग। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो रिस्क मैनेजमेंट का समझ में आया होगा। और सर, यदि आपको समझ में आया हो तो आपको इसको अपने ट्रेडिंग में फॉलो करना है और आप 4 या 5 महीने बाद में देखना कि आपकी ट्रेडिंग में कितना इम्प्रूव होता है।